स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टाइलोड तो ये जो होते हैं ये इसके एक तरह से आप कह सकते हो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो ये सारी टर्म्स हम अच्छे से समझते हैं कि कोई एक सिंगल ऐसा प्लेन होता है अगर उसमें हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करते हैं तो वो टू सिमिलर हाफ्स के अंदर डिवाइड होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक है एक्टोडर्म एंडोडर्म और म्यूजोडर्म तीन जर्म लेयर्स हैं उसके अंदर और दैट इज सीमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे अ पोस्ट एनल एंड

तो जो ये कंपैरिजन है इसमें नोटोकॉड इज प्रेजेंट इन नॉन कॉडेट नोटोकॉर्ड इज एबसेंट सेंटर नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल सेंटर नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल तो जो ये डॉर्सल की बात करते हैं ये बार बार हम डिस्कस करते हैं डॉर्सल इज अपर साइड जो कि वेंट्रल साइड होती है वो नीचे की साइड होती है तो ये आपने ध्यान रखनी है बात है ना और परफोरेटेड बाय ग्रेसलेट्स ग्रेसलेट्स आर एबसेंट नहीं होता है लेकिन जिनमें है में होगा, part, present, so, ये सारे जो इसके डिफरेंसेस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट आप इनको लर्न कर लेना अब आगे हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा किस तरह से डिवाइड होता है प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्ट्रिप्रेटा राइट तो वर्टिब्रेट्स क्या है जो जिनके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नोटोकॉड की जगह ले लेता है दैट इज दैट रिप्लेसेस द नोटोकॉड और प्रोटोकॉडेट्स के अंदर दो तरह के है यूरोकोडेट्स एंडफेलोकॉडेट्स यूरोपोडेटा जो होता है इसमें सिर्फ जो नोटोकॉड है दैट इज प्रेजेंट इन द लावल टेल वेर एज इन सफेलोकॉडेटा नोटोकॉड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल तो ये इनका डिफरेंस है देन आगे हम वर्टिब्रेट्स का आ, क्लासिफिकेशन क्लासीफिकेशन करेंगे तो इसमें दो सब फाइल आ जाते हैं एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा जो एग्नेथा है दैट लैक्स द जॉस मतलब जो भी इसके ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जॉज नहीं है इसमें क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा विच इज जॉलेस और दूसरी तरफ जो सब फाइलम है नेथोस्टोमेटा इसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं इनके ऑर्गेनिज्म दे बेयर द जॉ और इनके जो आगे है सुपर क्लास इज पाइसेस पाइसिस और दूसरी होती है टेट्रोपोडा तो जो पाइसिस है पाइसिस के अंदर आ जाते हैं कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्थीस तो जो कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्टिक्थिस है इसमें कॉन्ड्रिक्थिस जो होंगे ये कार्टिलेजनस फिश होंगी और जो ऑस्टिक्थिस हैं दे आर द बोनी फिश और दूसरी तरफ जो टेट्रापोडा हमने किया था जिनके चार लिम्स हैं बेसिकली सुपर क्लास जो है पाइसिस के अलावा की जो क्लासेस आ जाती हैं जिसके अंदर विच विल चारों उसके अंदर आ जाएंगे तो नेक्स्ट आई ऑन टू ब्रेड एग्नेथा ये जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एग्नेथा में दे लैक जॉस दे दियर जॉस सुपर क्लास आ गई

सर्कुलर माउथ फिश होती है ये और ये एक्टोपैरासाइट होते हैं और सम फिश तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं है, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं दैट इज जॉलेस फिश बॉडी डिड ऑफ स्केट्स फॉर रेस्पिरेशन क्रेनियम एंड वर्चिबल कॉलम इज कार्टिलेजनस सर्कुलेशन इज क्लोजाइट

Petromyzone, which is Lamprey, and megazine which is Hagfish. So these examples are there in your NCRT. Please, you have to uh, do it from there. Next, I come to class Chondrichthyes. And here the cartilaginous fish, they are marine, streamlined body. They have cartilaginous endoskeleton, cold-blooded, tough skin with minute placoid scales. gill slits are separate without operculum they have powerful jaw and are predators predators ka aapko matlab pata hai jo prey ke upar depend karte hain air bladder is absent hence to avoid sinking swim constantly to ye bada important question ek banta hai which is के uh, why do दिस कॉन्डिक्ट थी स्विम कॉन्स्टेंटली तो उसका reason ये है क्योंकि उनके अंदर air bladder नहीं है इस uh, तो एयर ब्रेडर जो होता है वो उनको हेल्प करता है स्विम करने के लिए तो अगर ये एबसेंट है तो ऑब्वियसली वो सिंक कर सकते हैं तो उससे बचने के लिए दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम हार्ट इज टू चैम्बर्ड दे आर कोल्ड ब्लडेड दैट इज पोइकलो थर्मस सेक्सेस सेपरेट मेल्स हैव पेल्विक फिन्स व्हिच बेयर क्लास्पर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनी आर विविपेरस तो जो सेक्सेस इनके सेपरेट है और इनके अंदर मेल्स के अंदर होते अंदर होते है, होते हैं हैं जिनके इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनकी प्रेजेंट होती है जो होंगे वो इंटरनली फ्यूज करेंगे मेनी आर नॉर्मली इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंट इन टॉर्पीडो एंड पॉइजन इन ट्राइगोन तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं बिक यू कैन बी आस्ट दिस वे ऑल्सो और एग्जाम्पल्स कॉलिडॉनडॉन विच इज ग्रेट वाइट शार्क सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स विच यू कैन सी कार्टिलीजन फिश दिस इज कॉलिडॉन दिस इज प्रिस्टिस तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन आज क्यों लगते सोचो की आपको फिगर दिखा दे बट ओनली दोज डायग्राम और दो इमेजेस कैन बी शोन विच आर प्रेजेंट इन एनसीआर और फिर वो पूछेगी कौन सी फिश है ये और विच क्लास डा दिलोंग टू तो? और फिर उसके आपको फीचर्स पूछ सकते हैं तो इस, किसी भी तरह से इसको घुमा कर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है सो स्टिंग फिश जो है ये ट्राइगोन हेयर यून सी दस वन नेक्स्ट आई वुल अबाउट ऑस्टिक थी बोनी फिश marine and freshwater both have bony endoskeleton, streamlined body with four pair of gills covered by operculum तो so, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है आपको पता है जैसे हम बात करते हैं कि उसकी वजह से स्विम कर पाते हैं और फोर एक अडॉप्टेशन है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी उनको हेल्प करता है स्विमिंग में दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था इट इज एब्सेंट देयर इन ऑल कॉडिक थेस स्केल्स कवर्ड विद स्केल्स एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स दी अब दिस इज अनदर डिफरेंस अब यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है इन ऑस्टिक थीज लेकिन कॉन्टिक थीज में क्या था एबसेंट था जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता था पर हार्ट इज टू चैम्बर एंड दे आर अगेन पॉइर्मस दैट मीन्स दे कैनॉट चेंज देअर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द आई मीन देयर टेम्परेचर चेंजेस एज पर आउटर टेम्परेचर देशर तो वो उसको कॉन्स्टेंट नहीं कर पाते पातेचर को सेक्स इज आर एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट तो डायरेक्ट डेवलपमेंट यू आर वेरी वेल वर्स नाउ कि इसका मतलब इनके अंदर कोई भी लावल स्टेज नहीं होती है डायरेक्ट फ्रॉम द यंग वन क्योंकि ये ओविपेरस है ये एग्स को लेकरेंगे तो जैसे ही एग्स आएंगे दे विल बी जो है बिल्कुल एडल्ट की तरह मतलब एडल्ट उसी लाइन पे डेवलप होता है कोई भी बीच की लावा स्टेज नहीं होती है विच इज मोफोलॉजिकल डिफरेंट नॉर्मली इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो यहाँ वो ऐसा नहीं है एग्जाम्पल्स है मेरीन वाटर के अंदर यू कैन सी हिपो कैंपस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी हॉर्स देन एग्जोसिटस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग फिश और फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स है लेबियो विच इज रोहू कैटला एंड क्लेरियस विच इज मै सो हेयर यू कैन सी दीज दिस वन इज द फाइटिंग फिश एंड दिस वन इज द फ्लाइंग फिशिंग अबाउट तो एम्फीबियंस के अंदर आप देखोगे एम्फी मींस ड्यूअल और बायोस मींस लाइफ तो यानी कि जो ड्यूअल लाइफ लीड करते हैं दैट मींस दे कैन हैव लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट मोस्ट ऑफ देम हैिम्स स्किन इज मॉइस्ट

तो ये आपने ध्यान रखना है फीबियंस के अंदर तीन तरह से रेस्पिरेशन हो सकता है देयर इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन आल्सो थ्रू गिल्स एंड लंग्स हार्ट इज थ्री चैम्बर टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दैट इज दे आर पोइकिलोथर्म्स एंड सेक्सेज आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल so these all are the examples you have frogs lemander you have toad you have newt so these all are uh, taken as the examples for amphibians then next we have is reptilia class reptilia creeping or crawling mode of locomotion skin with scales or scutes tympanum represents here limbs when uh, present are two pairs

तो इनके जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको पता है कि जो डैशेज में इन दोनों मेल फीमेल अलग होंगे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है दैट मीन के मीट जो फ्यूजन है वो अंदर होगा और ओवीपैर से एग्लेंग है और डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट विदाउट द इंटरमीडिएट लावर स्टेज एग्जाम्पल्स है किलॉन दैट इज टर्टल टेस्टूडो दैट इज टोटिस नाजा इज कोबरामिटेटिलस इज वॉलिजन तो ये सारे तो नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे एव्स के बारे में और एव्स का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये होता है कि उनमें फैदर्स की प्रेजेंस होती है उनकी बॉडी के ऊपर और दे बीक और जो इनके फोर लिम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स और जो हाइंड लिम्स होते हैं उनके ऊपर स्केल्स होते हैं एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग एटसेट्रा जो स्किन है दैट इज ड्राई विदाउट लैंड लेकिन जो टेल के बेस होता है वहां पे ऑयल जो एंडोस्केलेटन है दैट इज फुली ऑसिफाइड बोनी होता है लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी जिसको हम न्यूमेटिक कहते हैं द डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो एडिशनल चैम्बर्स होते हैं उसमें क्रॉप और गेज और इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है दैट इज थ्रू लंग्स और इसके जो एयर सेक्स लंग्स के साथ अटैच होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं सेक्स सेपरेट हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल है दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विच मीन्स की में कोई लावा स्टेज नहीं होती है हार्ट इज कम्पलीटली फोर चैम्बर दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं यानी कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ऑफ़ कि बाहर टेम्परेचर एनवाइन टेम्परेचर क्या है सो होमो आर होम्योथर्मस और इनका एग्जाम्पल होता है कॉरबस क्रो है कोलम्बिया है पिजन देन ये है स्ट्रुथियो और स्ट्रिच है देन नेक्स्ट यू हैविथ पैंगो एपटेनो डाइट कहते हैं और वर्चर को न्यूफ्रॉन कहते हैं पैरेट है पीकॉक है सारे बर्ड्स इसके अंदर देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज ममेलिया द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिनको हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं जिससे कि यंग वंस आर नरिस्ड दे हैव टू पेयर्स ऑफ फ्लेम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग एटसेट्रा or the skin of mammals is unique in possessing hair external ears or pinna are present different types of teeth are present in the jaw heart is four chambered they are again homeotherms so that means ki jo in ka, uh, body temperature hai that is regular, that is maintained irrespective of the external environmental temperature respiration is by lungs

जो कॉमन मान्स हैं यू नो दैट देयर इज कैन इज डॉग है फायल इज कैट है एलिफास एलिफेंट है एंड इक्विस्ट है, है जो दैट इज हॉर्स होम्योसेप है ह्यूमन बींग्स है ना हम सारे के सारे मैमल्स हैं सो वी ऑल आर हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दैट इज़ वाई वी हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम क्लास और इसके बाद बस ये जो आपका एनिमल किंगडम का फाइलम का दिस इज कंप्लीट वर्टिब्रेड हमने कर लिए हैं वर्टिब्रेट की हमने फाइव क्लासेस कर लिए हैं दैट इज ऑल अबाउट इट